नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं पीलीभीत की खबर। प्रधान बनते ही ग्राम निधि को दीमक की तरह चाटने में लग गए हैं राम प्रताप। नापाक उद्देश्य लेकर प्रधान बने भ्रष्टाचारियों ने वित्तीय अधिकार प्राप्त होते ही ग्राम विकास की धनराशि को बंदरबांट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शासकीय धन को ठिकाने लगाने की जुंगत में जुटे अधिकतर नवनिर्वाचित प्रधान शासकीय धन की लूट खसोट करने के पैतरे सीख रहे हैं। वहीं विकास के कार्यों में घटिया सामग्री लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की धनराशि को दीमक की तरह चाट रहे हैं और नवनिर्वाचित प्रधान को गुरु मंत्र दे रहे हैं। विदित हो कि ब्लॉक पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम भैरव कला राम प्रताप को पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान चुना गया। ग्रामीणों ने गाँव में विकास कार्यों का सपना संजो कर राम प्रताप को मुखिया चुना है, पर निर्माण सामग्री में कमीशन की बात हो या फिर शासकीय धन को बंदरबांट का मसौदा, सब कुछ प्रधान व उसके गुर्गे द्वारा ही तय किया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नवनिर्वाचित प्रधान राम प्रताप सचिव राम किशोर को अधिकारियों ने घटिया सामग्री लगाकर सरकारी धनराशि को बंदरबांट करने की छूट दे हो। नवनिर्वाचित प्रधान के विकास कार्यों की बात करे तो जैसे नाली नाला रेन वाटर बिल्डिंग में कायाकल्प, स्कूल की बाउंड्री बाल पुलिया जैसे आदि विकास कार्यों में जमकर पीला ईंट व घटिया सामग्री लगाकर सिर्फ काम चलाओ सीमेंट का प्रयोग किया गया है। भैरव कला में ठेकेदार बिट्टू और प्रधान राम प्रताप बिना डर के पीला ईंटों व घटिया सामग्री से निर्माण कार्य कर रहे। अधिकारियों की मिली भगत से विकास खंड व जिले के जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए। पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रधान सचिव सहित ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाने के मामले में कार्रवाई ना होने से ठेकेदार के हौसले बुलंद बने हुए। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व सचिव के गठ जोर से ग्राम पंचायत भैरव कला में एक बार फिर भ्रष्टाचार पांव पसारने लगा है। क्या नाम है तुम्हारा? राम शर्मा। कहाँ रहते हो? भैरव कला में। जो तुम्हारे यहाँ रेता निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या मामला है? वीडियो वायरल वो तो बात सही है, मगर दूसरी बात ये, हम लोग मान लो रोजगार करने वाले लोग हैं, नरेगा जॉब कार्ड है हमारा, और जेसीबी से इन्हें नाला खुदवाया, ठीक है, और हम लोग नहीं थे क्या? हम लोग काम नहीं कर सकते थे चौमास महीने में, इसमें सबको परेशानी है, अपना काम चलता गरीब लोगों का। अच्छा, तो जो नाला निर्माण हो रहा कैसा हो रहा कार्य? नाला निर्माण हो रहा है, वो तो दुनिया देख रही है, पर पीला एंड लग रही है उसमें। अच्छा, कोई पता है उसमें सीमेंट कितना लगा रहे? कोई देखा भर तो है नहीं कोई उसमें। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। कहाँ रहते हो? भैरव कला। तुम्हारे यहाँ रेता निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है और नाला निर्माण हो रहा, क्या मामला है? नाला निर्माण चल रहा है, जेसीबी से नाला खुदाया गया, हम लोग नरेगा कार्ड वाले हैं, हमें लोगों को मान लो काम पे नहीं लगाया गया और ना नाला नब के खुदा। अच्छा, कैसी सामग्री लगा रहे नाले में? सामग्री क्या, वो अनेक लोग हैं भाई, अब उन्हें बताओ, हम तो लोग जाते नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सिंह। कहाँ रहते हो? भैरव कला। वीडियो वायरल हो रही रेता निकालने की, क्या मामला है? रेता खैर से निकाली गई। अच्छा, अवैध खनन किया गया। अच्छा, वही रेता नाले में लगाई गई। अच्छा, नाले में कैसी सामग्री लगा रहे हैं? घटिया सामग्री लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, पुलिया बनाई, वो पुलिया में भी पीला ईंट लग रही है, पीला। अच्छा, सर भैरव कला में जो पीला ईंट से नाला का निर्माण हो रहा है, सर क्या कार्रवाई हुई? आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें मैंने अभी खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि तत्काल मौके पर जाकर और अभियंता के साथ इसकी जांच कर ले, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए।